हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के और एक वीडियो के साथ। ये एक शू बॉक्स है। अभी तो पता है आपको बच्चों का स्कूल खुल गया, ये बच्चों का स्कूल में शू आया था, स्कूल का शू। तो इसको मैं सोच रही थी, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था तो सोच रही थी फेंक दूँ, फिर सोची नहीं इसका कुछ ऑर्गेनाइजर बनाया जाए। और अभी तो आपको पता है कि बच्चों का मतलब स्कूल खुल गया है तो सुबह का टाइम बहुत ही मतलब बिजी रहता है, तो बच्चे को सारे चीज़ मिलने में थोड़ा सा मतलब आप ढूंढ ढूंढ के, फिर कहाँ सॉक्स, कहाँ शू, फिर कहाँ हैंकी, कहाँ मास्क, ऐसे सारे देने के लिए टाइम बहुत लग जाती है, बच्चे को मिलता भी नहीं है। इसीलिए मैं सोची थोड़ा सा इसको मतलब कैसे एक ही जगह पे सारे अरेंज करूँ और बच्चों अच्छे से अरेंज करूँ। और ये देखो, देख रहे हो ना, ये बेकार सा गिफ्ट रैप पेपर मेरे पास पड़ा था, इसको इसके साथ ही मैं कवर कर रही हूँ। बेकार बेकार चीज़ों से बहुत ही अच्छा आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। बस यही दिखाने का और बोलने का मतलब यही है कि आपको बेकार, बहुत ही आपको लग रहा होगा ये बेकार का चीज़ है, फेंकने से पहले इसको हम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेकार का चीज़ रीयूज भी हो जाएगा और घर भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। नीचे भी गिफ्ट रैप का पन्नी था और ये पेपर था, इसी से ही मैं कवर कर दूँ। मेरे पास जो था वही ही मैं कवर कर दूँ। आपके पास वॉलपेपर होगा या कपड़े में किसी में भी आप रैप कर सकते हो और भी अच्छे से आप डेकोरेट कर भी सकते हो। मैं बस ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ, कोई भी ऐसे जैसे बना पाएगा वैसे, इसीलिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। और इसके अंदर ये डार्क फंटेसी का मैं आधा काट के रख रही हूँ और ये प्लास्टिक बोतल हो गया, ये बिस्किट में भी आती है ये प्लास्टिक वाला बॉक्स, और इसी में ही मैं सारे अरेंज कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों को इसे आराम से सारे चीज़ मिल जाए, सॉक्स हैंकी। और ऐसे हैंकी को ना आपको ऐसे फोल्ड करने का एक ट्रिक दिखा रही हूँ, बस ऐसे आप फोल्ड करके रखोगे ना, कहीं पर भी रखो, ऐसे रखने से आपको बहुत ही अच्छे से ये मतलब खुलेगा भी नहीं इसका फोल्ड, और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर रह जाएगा और कम स्पेस भी लेगा। सॉक्स को भी आप ऐसे ही फोल्ड करके रख सकते हो। सारे हैंकी में इसी में रख रही हूँ और बच्चे को सुबह सुबह ना जाने के टाइम इसको बस ये बॉक्स निकाले और सारी चीज़ हाथों हाथ मिल जाएगा। और ये सॉक्स हो गया, सॉक्स को भी मैंने वैसे ही फोल्ड करके रखी हूँ। और ये मास्क तो हो गया, देख रहे हो ना फिर कितने बेकार चीज़ों से बहुत ही अच्छे से अरेंज होकर रह गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में कोई कमी हो या सही हो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी चलते हैं दूसरे वाले हैक से तरफ। अब ये एक मेरी मतलब बेड साइड वो ड्रॉ है, तो इसी के अंदर मैं सारे मेडिसिन रख रही थी और देखती जब भी कुछ सामान ढूंढो ना सारे चीज़ इधर उधर होता है और सारे मेडिसिन निकालो तभी एक मेडिसिन मिलता रहता है, तो बहुत ही टाइम चला जाता है इसको ढूंढने के लिए। और कभी कभी गुस्सा भी आती है कि मेडिसिन मिल क्यों नहीं रही है। तो इसी टाइम मैं एक सोच रही थी कुछ बेकार चीज़ों से मतलब सही से मेडिसिन को ऑर्गेनाइज करूँ। और बाहर कुछ भी ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने से पहले सोची ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज़र मतलब बनाऊं कि वो घर के अंदर ही भी मिल जाए और पैसा भी मेरा खर्च ना हो। ये सारे कुकी का मतलब बिस्किट्स का बॉक्स है, इसका ना बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। और ये नीचे वाला पार्ट का पूरा खुल जाएगा, तो एक ही बॉक्स को दो तरह मतलब दो डिवाइडर कर दिया, तो दो एक साइड में खुल रहा था इसीलिए मैं सारे सेलो टेप लगा दी। देख रहे हो ना कितने अच्छे से वो डिवाइड होकर अच्छे से बॉक्स बन गया है। और इसके अंदर हम आराम से सारे मेडिसिन रख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ मतलब मेडिसिन ढूंढने के टाइम आपको टाइम भी मतलब बर्बाद नहीं होगा और अच्छे से आराम से मिल भी जाएगा। हाँ, ऐसे बॉक्स में आप मतलब ऐसे ड्रॉर में या बॉक्स में कोई भी बॉक्स के अंदर भी ऐसे कार्डबोर्ड रख के आप इनरवेयर भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर रहेगा और नीट एंड क्लीन भी लगेगा और बहुत ही अच्छे से आपको आराम से मिल भी जाएगा। सेविंग हो गया ना आपका टाइम और मनी। देख लो ना कितने अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है कि कौन से किसकी जगह पे कौन सा मेडिसिन रखी हो। और ड्रॉर खोलने के टाइम इधर उधर भी आपको इधर सारे मेडिसिन नहीं होगा, बॉक्स के अंदर सारे आराम से मिल जाएगा। कैसा लगा मेरा ये आइडिया आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और ये मैं और एक ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ वही बेकार की बेकार चीज़ों से। ये वाला कार्डबोर्ड बहुत ही स्ट्रांग था तो इसके लिए मैं ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। आपने अगर मेरी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी चैनल पे जाके देख लेना, इसमें आपको दिखाई देगा कि मैं ये ऑर्गेनाइजर ड्रेसिंग टेबल के लिए बनाई थी। और ये मैं जो वो पन्नी आती है ना पेपर पन्नी, वो उसी में ही मैं कवर कर रही हूँ।
इसलिए मैं बोलूँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई महंगा वाला हमारे पास वॉलपेपर हो या कवर हो, आप कोई भी चीज़ पे रैप कर सकते हो बेकार के, नहीं तो कपड़े में भी रैप कर सकते हो। ये मैंने बेकार वाला वो पेपर वाला पन्नी में वो रैप कर रही हूँ। देख रहे हो ना कितने अच्छे से रैप हो गया है। और इसके अंदर और एक वही पेपर बैग का रेड वाला ये पड़ा था, तो इसी को ही मैं ऊपर से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। ज़्यादा सामान की ज़रूरत ही नहीं है, बस बेकार सा कार्डबोर्ड और ग्लू। और ये तो पन्नी हर किसी के पास होता ही है, हम बहुत सारे हो गया करके फेंक भी देते हैं, तो इसके साथ भी हम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और इसका भी बहुत यूज़ होता है पेपर, जैसे फ्लावर भी बनाते हैं, बना पाएंगे, बहुत सारी चीज़ है। कार्डबोर्ड को ना थोड़ा सा कवर करके और डेकोरेट करके रखो तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये कार्डबोर्ड से है। तो वही पेपर बैग से मैं ये फ्लावर बना रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये तीनों आइडिया में से कौन सा आइडिया ज़्यादा आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ये एक फ्लावर बन गया, हम इसी में डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत इजी वाला फ्लावर मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे बहुत मुश्किल वाला नहीं है। और मुझे भी इतना भी अच्छे से नहीं आता है, जो जितना आता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितना भी छोटे जगह हो या हमारा बड़ा घर हो या छोटा घर हो, जैसे भी घर हो, हम घर को सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मतलब ज़्यादा स्पेस भी नहीं होगा। कितना सुंदर सा बॉक्स बन गया ना, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।